Dear student, your today's class second subject is English. Dear students, आज की आपकी क्लास का जो सेकेंड सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश. इंग्लिश सब्जेक्ट में आपने लेटर A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for giraffe, H for horse, I for ice cream, J for joker, K for kite. L for lion, M for mango, N for nest, O for owl, P for peacock, Q for queen, R for rose, S for sheep, T for tiger, U for umbrella. A for apple से लेके U for umbrella तक के letters आपने without dot अपनी English की copy में बनाना सीख लिए हैं. आज हम letters V, W, X. V for van, W for watch और X for Xmas tree. इन तीनों लेटर्स को हम अपनी इंग्लिश की कॉपी में विदाउट डॉट बनाने की प्रैक्टिस करेंगे. आपको न्यू पेज पर लेटर V, W और X इन तीनों लेटर्स को बनाना सीखना है. सबसे पहले हम बनाएंगे लेटर V. V for van. तो हम इन फोर लाइंस को छोड़ देंगे और इन फोर लाइंस में से थ्री लाइंस को कवर करते हुए लेटर वी बनाएंगे. वी फॉर वैन. फिर डब्ल्यू फॉर वॉच. फिर एक्स फॉर एक्समस ट्री. लेटर वी कैसे बनाएंगे? एक स्लैंटिंग लाइन नीचे की तरफ और एक स्लैंटिंग लाइन ऊपर की तरफ. और लेटर डब्ल्यू एक स्लैंटिंग लाइन नीचे की तरफ, फिर एक स्लैंटिंग लाइन ऊपर की तरफ, एक स्लैंटिंग लाइन फिर नीचे की तरफ और एक स्लैंटिंग लाइन ऊपर की तरफ. आपको यहाँ पे देखिएगा कि जब दो वी को हम ज्वाइन कर देंगे तो कौन सा लेटर बन जाएगा? लेटर W. W फॉर वॉच. और X स्लैंटिंग लाइन बनाई, राइट डाउन स्लैंटिंग लाइन और उसको क्रॉस करती हुई लेफ्ट डाउन स्लैंटिंग लाइन. तो क्या बन गया? लेटर X. X फॉर एक्समस ट्री. लेटर वी कैसे बनाएंगे? राइट डाउन स्लैंटिंग लाइन और यहीं से अप होती हुई एक और स्लैंटिंग लाइन. तो क्या बन गया? लेटर वी. वी फॉर वैन, डब्ल्यू फॉर वॉच और एक्स फॉर एक्समस ट्री. इन फिर फोर लाइन को हम छोड़ देंगे और नेक्स्ट फोर लाइन में थ्री लाइन को कवर करते हुए हम लेटर वी, लेटर डब्ल्यू और लेटर एक्स इन तीनों को बनाएंगे. फिर से इन फोर लाइन को स्किप करेंगे और इन फोर लाइन में सी लाइन को कवर करते हुए बी फॉर वैन, डब्ल्यू फॉर वॉच और एक्स फॉर एक्समस ट्री इन तीनों लेटर्स को बनाएंगे. ओके डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश सब्जेक्ट में ये आपका रिटर्न वर्क है जो आज आपको कंप्लीट करना है. देन फिर मुझे सेंड करना है.